नमस्कार, शाखानव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र नायक। सुषमा स्वराज पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन दहिसर पुल के नजदीक रिवेरा पार्टी हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला महिला अध्यक्ष योगिता पाटिल द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में उत्तर मुंबई के खासदार गोपाल शेट्टी ने अपने हस्तों 12 प्रतिष्ठित महिलाओं को उनके द्वारा किए जा रहे अमूल्य कार्यों के कारण सुषमा स्वराज पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इन पुरस्कृत महिलाओं में प्रिंसिपल, समाज सेविका, मेट्रो की पहली चालिका, डॉक्टर तथा समाचार पत्रिका की संपादिका थी। इस कार्यक्रम में दहिसर विधानसभा की आमदार मनीषा ताई चौधरी, शलाका सालवी, माधवी भूता, नीला सोनी, दीप्ति सोमपुरा सारे नगर सेविकाएं तथा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आइए देखते हैं इस पुरस्कार कार्यक्रम के बारे में सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कहा। मुंबई शहरात आपण लोकांनी विचार केला तर गेले अनेक वर्षापासून राजकीय किंवा सामाजिक चळवळीतून काम करून मुंबई शहरावरती नाव लौकिक मिळवलं अशा महिलांचं नाव खूप कमी पुढे आलेलं आपल्याला आता पाहायला मिळतं। एका काळी सर्व देशपांडे असो, मुलांताई असो किंवा त्यांच्या टीम बरोबर आणि आपल्या पक्षातही मालतीताई नरामणे उत्तर मुंबई जिल्ह्याचे आपल्या त्या अध्यक्ष होत्या, त्यांचा आजही आठवण येतो आपल्याला। असे अनेक महिला कार्यकर्ते झाले ज्यांनी एक नेतृत्व किंवा एक नेतृत्वाचा ठसा उमटवण्याचं काम केलं। एक गोष्ट मी मान्य करतो का, विरोधी पक्षामध्ये काम करत असताना स्वतःचं नेतृत्व पुढे आणण्याची संधी आपल्याला अनेक वेळा मिळत असतो, कारण आपल्याला आंदोलन खूप काळात मिळत असतो आणि सत्ता आल्यानंतर सर्व आंदोलन बंद होतात आणि एकदा आंदोलन बंद झालं का मग कार्यकर्त्यांना फ्रंट वर येऊन काम करण्याची थोडी संधी ही कमी कमी होत जाते। असं असलं तरी सर्वसामान्य लोकांच्या प्रश्नाशी आपण निगडीत राहून, कारण प्रश्न रोज निर्माण होतात लोकांच्या, छोट्या मोठ्या समस्या नेहमी कुठे ना कुठे घडत असतो आणि त्याच्यात जर आपण स्वतः झोकून दिलं तर परत एकदा आपल्याला पुन्हा लोकांच्या समोर येण्याची संधी प्राप्त होत असते, पक्षामध्ये चर्चा होत असते, मग कुठे काही झालं तरी हे येत असतात, लोकांच्या समस्यावरती भांडत असतात, झगडत असतात, अशा प्रकारचा एक आपला छाप पडतो समाजामध्ये आणि त्याच्यातूनच नेतृत्व मोठा होत जातो। पक्षामध्ये आपण अनेक वर्ष काम करत असताना स्वाभाविक आहे आपला प्रमोशन होत असतो, वार्डचे लोक मंडळात येतात, मंडळाचे लोक जिल्ह्यात जातात, जिल्ह्याचे लोक मुंबईत जातात, असा सर्व प्रवास होत असतो, परंतु त्याचबरोबर आपली तेवढी प्रगती होते का नेतृत्वाची, हे सुद्धा आपल्याला नेहमी चिंता करणं अत्यंत गरजेचं असतो। माधवी भूता आता राष्ट्रीय कार्यकारिणीपर्यंत पोहोचली आहे, परंतु माधवी भूता मधून मधून काही ना काही स्वतःच्या पक्षाच्या व्यतिरिक्त काही ना काही काम करून एखादा पुस्तक लिहून त्याचा विमोचन करून लोकांना गोळा करून स्वतःमध्ये असलेला कला कौशल्य आपण पुढपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न ती करत असते, म्हणून त्यांचा एक ओळख झालेली आहे। आणि म्हणून आता मी शलाकाताईंबरोबर बाजूला बसलो होतो, सुषमाताईंचा पुरस्कार द्यायला मिळणार होतं, त्यांच्याशी थोडा एक 10-15 मिनिटं आम्ही लोकांनी वार्तालाप केलं आणि एकूणच मुंबई असो का संपूर्ण देश असो, महिलांना जर कार्यक्रम करायचा असेल तर नेतृत्व कोण पाहिजे तर सुषमा स्वराज जाणार आता या सॉरी आज स्मृती आहे स्मृती इराणी, सुषमाजी ज्यावेळी होती त्यावेळी आपण सुषमा स्वराज त्यांचा उपयोग करत होतो। क्यों लाई तो अच्छा बोलती है, लड़ती है, झगड़ती है, हर विषय का उनको नॉलेज है, वक्तृत्व गुण भी बहुत अच्छा है, इसलिए सबको लगता है कि ये हमको मिलना चाहिए, तो इनके नाम से कार्यक्रम में महिला भी बहुत आ जाएगी, आसानी से हो जाएगा और एक अच्छा कार्यक्रम भी हो जाएगा। और जैसे पुरुषों को एक जमाने में आडवाणी जी और अटल जी को सुनने का एक शौक था, उसके बाद में प्रमोद जी को सुनना और बाला साहब ठाकरे जी को सुनना, ऐसे कुछ नेताओं को सुनना एक लोगों का एक हॉबी हो गया था, वैसे कुछ महिलाओं के बारे में भी हमको देखने के लिए मिलता है। आप सबका फिर एक बार मैं यहाँ पर स्वागत भी करता हूँ, आप सबको शुभेच्छा भी देता हूँ, पुरस्कार मिला है
मैंने उनको भी कहा है कि पुरस्कार आपको मिला है तो एक मौका आपको मिला है तो आप उसको कैश कर दो अभी को भी सब ये चेक मिला है सुंदर जिसको आप कैश करोगे तो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको पैसा पॉलिटिकल पार्टी के या तो समाज में काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने कैश करना तो आप समाज में जाकर उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करिए और आपसे जो भी नहीं बन पाएगा जो गवर्नमेंट के उसमें प्रॉब्लम होंगे पुलिस स्टेशन का होगा कॉर्पोरेशन का होगा वो सॉल्व करने के लिए हम लोग बैठे हैं हमारे पास बेटी जिसको हम लोग करेंगे आप समाज में अपना एक पहचान खड़ा कर दो ये करते हैं तो देखते देखते आने वाले दिनों में सुषमा स्वराज जैसा नेतृत्व हमको उत्तर मुंबई में महाराष्ट्र में देश में खड़ा करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं फिर एक बार आप सबको शुभेच्छा देता हूँ और जब हम पुष्प हार माला डालने गए तो मैं राजमाता जी का वहां पर फोटो देखा मैंने राजमाता जी को दिल्ली में हम लोग आंदोलन में गए थे ये पार्टी इन्होंने खड़ा किया ये पार्टी के फाउंडर है इन्होंने पैसे लगाए अटल जी अडवाणी तो साधु जैसे थे कोई धंधा नहीं था पैसा तो उनके पास था ही नहीं था लेकिन राजमाता जी ने पैसे लगाकर इस पार्टी को खड़ा किया उसके बावजूद भी जब मैं दिल्ली के आंदोलन में गया राम जन्मभूमि का आंदोलन भी था राजमाता अक्षर समाटी जिसको कहते हैं छाती पीट रही थी और छाती एक दो मिनट में जितना जुलूस चलता रहा दोनों हाथ से छाती पीट रही थी तो वो सीन मेरे दिमाग में आज भी है ऐसे बहुत पैसे वाले बहुत बड़े बड़े नेताओं का भाषण हमने सुना उनको देखा हमने उनको हम मिले लेकिन उनका स्मरण दिमाग में से निकल गया लेकिन राजमाता का छवि आज भी मेरे दिमाग में और दिल में है तो उनका वो दृश्य देखकर मेरे दिमाग में वो आज भी याद है तो आप लोगों ने भी अपने जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ करना चाहिए जो लंबे समय तक आपको पार्टी के कार्यकर्ता और समाज के लोग याद करें ऐसा काम आप सब करेंगे एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा धन्यवाद भारत माता की जय महाराष्ट्र।